नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि अपना फ्लश वाल का हाइट कितना इंची पे रहता है, पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। उसमें कौन कौन सा फिटिंग लगता है और कितना सेंटर पे रहता है, कितना हाइट पे रहता है, वो भी पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। अभी अपना एशियन पेंट का फ्लश वाल है, एशियन पेंट का फ्लश वाल है 1.25 इंची का। अभी इसको अनइंस्टॉल करना है, अभी बॉक्स है, अभी इसको लगाने का है। संडास में किधर लगता है, किधर सबसे बेस्ट रहता है, किधर लगाना चाहिए अपने को, वो भी अपने को डिटेल बताएंगे। अभी अपना ये 1.25 इंची फ्लश वाल है, अपना फ्लश वाल 1.5 इंची का भी आता है, 1.25 इंची का भी आता है, 1 इंची का भी आता है, तीनों साइज का आता है, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 3 साइज का अपना फ्लश वाल आता है। जैसा पाइप लाइन आता है और क्लाइंट के हिसाब से भी फ्लश वाल लगता है। अगर अपने को आगे से आदेश आएगा कि 1.5 इंची लगाना है तो 1.5 इंची लगाएंगे, 1.25 इंची आता है आदेश, 1.25 इंची लगाना है, 1 इंची आएगा तो 1 इंची लगाना है। अभी इसको दिखाते हैं आपको अनबॉक्सिंग करके। अभी देखिए, इधर अपना फ्लश वाल लगा है, 1.25 इंची का अपना फ्लश वाल है, एशियन पेंट का, एशियन कंपनी का है, 1.25 इंची का। इसमें क्या क्या लगा है पूरा डिटेल के साथ आपको बताते हैं। अभी अपना फ्लश वाल है जो फर्सी के लेवल से, जो फाइनली कभी भी अपना फ्लश वाल लगाएं, वालिंगिंग कमोड लगाएं, तो एक बार फर्सी का हाइट अपने फर्सी वालों से हाइट लेके फिर लगाना चाहिए। फ्लश वाल का, वालिंगिंग कमोड का, बाथरूम का अगर काम कर रहे हैं तो एक बार हाइट, फर्सी का हाइट एक बार मेजरमेंट करके आप समझ लें, उसके बाद लगाएंगे तो कोई भी अपना नल परफेक्ट जगह पर आएगा। क्योंकि फर्सी कभी 4 इंची उठता है, कभी 2 इंची उठता है, कभी ज़्यादा उठ गया, लेकिन एक बार अपना लेवल उठ जाएगा तो अपना नल पूरा का पूरा परफेक्ट लेवल से आएगा। अभी अपना ये फ्लश वाल है 43 इंची, नीचे फर्सी लगने के बाद इसका लेवल उठाया गया है, फर्सी से अपना 43 इंची पे दिया गया है फ्लश वाल, पूरा ड्राइंग के हिसाब से ये काम हुआ है। नीचे से अपना 43 इंची, 43 इंची रख सकते हैं नीचे से, लेकिन एक्चुअली ये अभी 43 इंची पे है। अभी पीछे भी रहता है फ्लश वाल और बगल में भी रहता है, लेकिन क्लाइंट के हिसाब से रहता है, क्लाइंट जैसे बोलेंगे वैसे अपने को करना है। कभी पीछे भी रहता है और आगे भी रहता है, दोनों तरफ फ्लश वाल का पॉइंट दिया जाता है, पीछे साइड भी रहता है और अपना बैक साइड भी रहता है, बाजू में भी रहता है और पीछे भी रहता है, जैसा क्लाइंट का डिमांड है वैसा करना पड़ता है अपने को। और कभी भी फ्लश वाल लगाएं तो अपना सीधा डायरेक्शन मिलना चाहिए, सामने फ्लश वाल अच्छा, सामने एकदम परफेक्ट सीधा देखना चाहिए, नहीं तो क्या हुआ बाद में अपना प्लेट लगाएंगे तो प्लेट परफेक्ट बैठेगा नहीं, सामने से टेढ़ा बैठेगा, तो अपना प्लेट उसका अच्छा से दिखेगा नहीं सामने से। वो अगर सीधा रहेगा फ्लश वाला तो अपना प्लेट परफेक्ट बैठेगा, एकदम सामने के सामने एकदम दीवार में चिपक जाएगा। अगर अपना फ्लश वाल हल्का भी तिरछा रहेगा तो बाद में प्लेट लगाने में आपको दिक्कत होगा, बीच में गैप छूट जाएगा और सामने से भी अच्छा नहीं दिखेगा। कभी भी फ्लश वाल लगाएं तो फ्लश वाल का सामने से सीधा रहना चाहिए एकदम, और उसका हाइट भी परफेक्ट रहना चाहिए। हाइट क्या होता है, हाइट ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, मीडियम में हाइट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा 42 से 43 इंची, तो अपना परफेक्ट बैठेगा। और सामने से कभी भी सीधा रहना चाहिए, सामने से सीधा नहीं रहेगा तो अपना फ्लश वाल फिर अच्छा नहीं दिखेगा। अभी अपना फ्लश वाल लग के रेडी हो गया, अनइंस्टॉल कर दिए। अभी देखिए, इसमें अपना एक नीचे अपना FTA लगा है और ऊपर अपना MTA लगा है, टोटल अपना ब्रास का है, 1.25 इंची पाइपलाइन है।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।